भविष्य के सभी अध्यापक साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, हम यहाँ पर कक्षा 3 की एनसीईआरटी की ईवीएस है उसको कवर कर चुके हैं, क्लास 4 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ाई जाती है उसको कवर कर चुके हैं, और एक दो दिन में ही हम क्लास 5 की जो एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा लें। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है ये वाला। तो ये पॉइंट है, जैसे गुजरात में साबरमती आश्रम है तो वहाँ की ये कहानी है। तो ये कहानी है नारायण की। जब ये 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ पर। गुजरात में जो गांधी जी वगैरह थे तो किस तरह से लोगों से वो काम करवाते थे, किस तरह के लोग वहाँ पर काम करते थे, और काम करने की वजह से लोग वहाँ से छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा पढ़िए। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। यानी कि ये जो नारायण थे क्या करते थे, टॉयलेट की सफाई होती है किस तरह की होती है वो मेहमानों को सिखाते थे। यानी कि मेहमान खुद करेंगे अपने टॉयलेट की सफाई, ठीक है। तब तक टॉयलेट के नीचे टोकरियां रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आम तौर पर ये जो टोकरियां, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से जो उनके मेहमान वगैरह थे वो भाग जाते थे इस काम की वजह से। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था। फिर वह कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर ही भाग जाते थे। तो एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वर्धा, जो गाँव है महाराष्ट्र का, वर्धा का एक गांव है उसका आप याद रखेंगे, जो जो जगह है महाराष्ट्र की वर्धा से संबंधित है, ठीक है। इसके पास एक गांव में रहने गए। यहां गांव तो था वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उसके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गाँव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। उस सामने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। यानी कि एक आदमी ने उनसे बोल दिया था, ठीक है। तो यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई। यहाँ पर बावला कौन है, नारायण, ठीक है। और उसे गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वालों तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं है बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का है, यह बात ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वह बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये छुआछूत वाली चीज़ है अनटचेबिलिटी, इससे हर बार आपकी सीटेट परीक्षा में एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ये कहानी है बावला की, जो कि नारायण का नाम है, और साबरमती आश्रम की ये कहानी है जो कि गुजरात में है। अगला पॉइंट है यहाँ पर मेरा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी एक कहानी की टाइप है। यहाँ पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। तो ये कहानी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको समझिएगा। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में, तो सबसे पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, वो महाराष्ट्र के गोरेगांव के थे, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अपने पिता के साथ छुट्टियाँ मनाने गए थे। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की बाल खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा है। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने बाल काटने को कहा। नाई ने फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं, मेरा उस तरह दोनों ही गंदे हो जाएंगे। अरे अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से भी ज़्यादा गंदा काम है, नन्हे भीम ने सोचा, जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने सोचा, ये इतना भी गंदा काम है कि भैंस के बाल तुम काट रहे हो, मेरे बाल नहीं काटोगे। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना कि उस समय कितनी ये जो व्याप्त, कितनी बड़े स्तर पर ये चीज़ें व्याप्त थीं कि जो छुआछूत है वो इतने बड़े स्तर पर थी। यहाँ पर जो गलती है वो किसी नाई का नहीं है, हर किसी का नज़रिया ऐसा ही बन गया था और लोगों ने इसको ऐसा ही बना दिया गया। उच्च जाति के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसा ही बना दिया गया था कि ये छुआछूत है वगैरह वगैरह, तो इस तरह का व्याप्त थी। और आज भी है हमारे इंडिया में, आज भी कई सारी जगहों पर ये सारी चीज़ें व्याप्त हैं। आगे चलकर यह भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर बने और दुनिया भर में मशहूर हुए। और इन्होंने फिर अन्याय के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी
और आजादी के बाद फिर तुम्हें पता ही है कि इन्होंने संविधान, अपना जो संविधान है वो बनाया था। आगे एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी सब्जी को कहते हैं उंधियू। उंधियू यानी कि गुजराती में इसका मतलब है उल्टा। तो सबसे पहले याद रखें उंधियू कहाँ का शब्द है, गुजरात का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। उंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां, सौंधी खुशबू, वाह, साथ में घर के दूध का मक्खन, दही, चाय जितनी छाछ, मतलब मुंह में पानी ही आ गया बस यहाँ से। इतना आप याद रखिएगा कि उंधियू गुजरात का वर्ड है और इसका मतलब है उल्टा। चमकते सितारे, ये कहानी है एक छात्रा की जिसने बास्केटबॉल टीम में हिस्सा लिया है, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन है एक, उस एसोसिएशन में ये टीम टीम की लीड टीम लीडर हैं। तो इनका नाम है अफसाना। तो इन्होंने खुद को बुलंद किया और मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां हैं उनको अपने साथ रखा और एक बास्केटबॉल की टीम बनाई। तो आप इतना याद रखिएगा कि मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की टीम में है अफसाना और उनकी कुछ साथी। ये कहानी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कहानी है आंध्र प्रदेश की और 2007 में यहाँ पर क्या क्या हुआ था कि कई सारे किसान हैं उनको घाटा पड़ गया था, बैंक का कर्जा वो नहीं चुका पाए थे और इसमें से एक किसान था नालप्पा, नालप्पा की ये कहानी है, नालप्पा रेडी। तो 24,000 रुपये उन्होंने नहीं चुका पाए थे तो उसके लिए उन्हें साहूकार से भी ब्याज लिया था और साहूकार ने क्या किया था, 24,000 के बदले 34,000 रुपये लिए थे उनसे और उसके बाद भी उनका कर्ज है पूरा नहीं चुक पाया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि ये बैंक किसानों को छोटा सा कर्जा न चुकाने पर जेल भेजते हैं, लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जो करोड़ों रुपए का कर्जा लेते हैं, ये तो कुछ हजार का कर्जा लिया था, लाखों करोड़ों का जो कर्जा लेते हैं उन्हें कुछ नहीं कहते, उन्हें कुछ नहीं कहते। जैसे आपने सुना होगा बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जैसे जो मोदी जी हैं जब सत्ता में आए थे, जो देश में उनकी सरकार बनी थी, तो उन्हें 5 लाख से 6 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया था उद्योगपतियों का। तो वो उसके लिए भी काफी बवाल हुआ था। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि बड़े व्यापारियों को बैंक कुछ नहीं बोलते, जो छोटे किसान होते हैं उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं, ठीक है। और जैसे 1997 से लेकर 2005 के बीच में 1.5 लाख किसानों ने अपने आप अपनी आत्महत्या कर ली थी कर्ज की वजह से, ठीक है। और 20,000 किसानों ने पिछले 2-3 सालों में महाराष्ट्र में आत्महत्या की है इसी की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर बाजरे की बाली है, जो बाजरे की जो बाली होती है जिसको भूनकर खाते हैं गांव में, आपने देखा होगा खूब खाते थे। ओखली में रखी रहती है, ओखली में रखी है, मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं, यानी कि कूट कूट कर जो बालों को दाने से अलग करते हैं वो बोलते हैं उस औजार को मूसली, मूसली से किया जाता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, थ्रेसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था यहाँ पर। ये कहानी थी मतलब अगले चैप्टर में कि जो जंगल वगैरह होते हैं वहाँ पर उद्योगपति क्या करते हैं, जब वैसे जमीन के अंदर जो भी खनिज होता है उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर जो आदिवासी वगैरह होते हैं उनको हटवा देते हैं सरकार के थ्रू और वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित कर देते हैं और धरती के भूगर्भ से जो भी पदार्थ निकलते हैं उनको बेचते हैं या फिर उनका यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको याद करना है वो ये है कि जंगल अधिकार कानून कब लागू किया गया, तो ये किया गया था 2007 में। आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है ये कानून। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा, आदिवासियों को जंगल पर उनका हक कौन सा कानून दिलाता है, तो जंगल अधिकार कानून 2007। तो कम से कम अगर कोई 25 साल तक जंगल में रह लेता है तो वहां पर होने वाली चीजों पर उसका हक हो जाता है और फिर उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, यहाँ पर फसल पकने के बाद गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, तो कौन से गांव में है ये त्यौहार, उस जगह का नाम बताना, ठीक है, जिले, अच्छा, स्टेट का नाम बताना आप, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। सब साथ में वहाँ पर क्या करते हैं, लोग खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि चेराव नाच भी वहाँ पर होता है। तो चेराव नाच किस राज्य में होता है, तो वो नीचे आप कमेंट्स करके बता देंगे और इसका आंसर भी वही हो जाएगा। इस नाच में जमीन पर बांस होता है, बांस की डंडी होती है, उसको लेकर दो दो लोग जोड़ी बनाकर आमने सामने बैठते हैं, ढोल की ताल पर डंडिया को जमीन पर पीटते हैं, डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोटो नहीं दिखा पाया, वरना फोटो दिखा देता, मतलब इस तरह से वो डंडियाँ पकड़ लेते हैं लोग, जैसे इस तरह से यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं और जो लोग हैं वो इसके बीच में खड़े होकर कूदते हैं। तो ये आपने काफ़ी बार टीवियों में देखा होगा। इस नृत्य को बोलते हैं चेराव नृत्य,
ये किस राज्य में होता है, इसका जवाब आप नीचे देंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चैप्टर नंबर 16 से चैप्टर नंबर 20 तक। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।